नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं स्वाति। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आज फिर एक और जुदा कांड सामने आया। जी हां, चुनावी मौसम में राजनीतिक बयानबाजी के बीच आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर एक व्यक्ति ने बिल्कुल सामने से जूता फेंक कर हमला किया है। जब यह घटना हुई तब राव और भूपेंद्र यादव साथ ही प्रज्ञा पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हालांकि जूता फेंकने वाले इस शख्स को तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने अरेस्ट कर लिया। बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। जूता फेंके जाने की घटना के बाद बीजेपी प्रवक्ता राव संयत नजर आए और उन्होंने कोई बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने आगे अपनी बात जारी रखी। इस घटना पर बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि जिस भी शख्स ने यह किया और अगर किसी के कहने पर किया है तो यह बेहद ही दुखद है। यह अमर्यादित आचरण है और लोकतंत्र में इसके लिए कहीं जगह नहीं है। आरोपी शख्स को तुरंत ही पकड़कर सभा कक्ष से बाहर ले जाया गया। अभी तक आरोपी शख्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है कि उसने क्यों ऐसा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई है जहां सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम रहते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि यह कोई आम बात नहीं, इससे पहले भी पी चिदम्बरम और अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकने और स्याही फेंकने की घटना हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आप बन रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।